क्रिसमस, गरीबों का ख्याल। सभी यहाँ पर जो साथी बैठे हैं और बाहर दत्त जी और सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सफल और इतना सुंदर बनाया है कि मेरा ख़्याल है जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हमें सब में कोई ना कोई उमंग उठी है। और वो उमंग है कि हम किस तरह से इनकी जो कला है, इनकी जो नॉलेज है और विशेषकर जो इनका संगीत है, उसको कैसे हम बरकरार रख सके। तो जो आपकी इंस्टीट्यूशन है स्नेक्स के बारे में, उसको तो आप ही ध्यान रखिए, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसको करूं, लेकिन आपकी कला को हम जन जन तक पहुंचाएं और न केवल वह समझें कि जो हम बचपन में सुनते थे कि एक बीन बजी और सपेरा आया, 10 मिनट का खेल देखा और चले गए, उससे उठकर उभर कर संगीत किस तरह से हम इनका कैप्चर कर सके। जैसे आपने कहा कि इनका जो पेशा है, अब वो पेशा नहीं कर पा रहे, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं पूरे समाज की बन जाती है, हाउ डू वी हेल्प देम टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड्स विद डिग्निटी, विद ग्रेस एंड विद सो मच म्यूजिक विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ अस। सो वी आर देयर, हम हैं आपके लिए, करेंगे कुछ ना कुछ। बैठे बैठे हम कुछ दिमाग में चला रहे थे, लेकिन वो जब चल जाएगा तभी आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना यकीन करिए कि जैसा आप काम कर रहे हैं, हम भी प्रयास करके इसको पूरा पूरा करेंगे। आपकी ये कला विलीन नहीं होने देंगे। वी विल नॉट मेक इट हिस्ट्री, वी विल मेक इट द प्रेजेंट ऑल्सो। थैंक यू। हमारे सांप तो बंद कर दिए गए, लेकिन ये एक बीन आपको देना चाहेंगे हम। आप जो हमारी बीन जो आप जो याद रखोगे, हमारे भूल नहीं सकोगे, हमारी बीन जीवित रहे। भूलते नहीं हो इतनी आसानी। अच्छा, से ये अच्छा, शाम नहीं भूले। नहीं नहीं, जरूर करें। कोई जीवित रखे तो हम बहुत भारी रहेंगे। हमारा नाम न मर जाए। थैंक यू मैम, प्लीज। अभी कह देती हूँ, मैं इनका कार्यक्रम सरकार की ओर से, नाउ यू ऑल नो दैट द कनॉट प्लेस सेंट्रल जोन हैज़ बीन मेड इनटू एन एम्फीथिएटर एंड मेनी अदर थिंग्स ओवर देयर। आई थिंक वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम्स देयर विथ दिस वेरी ट्रूप एंड दिस वेरी ग्रुप। तो ये जिसमें दिल्ली के सभी लोग हम एक संगीत का कार्यक्रम भक्ति उत्सव करते हैं, वो मार्च अप्रैल में होता है, उसका भी शुभारंभ आप ही की ध्वनि से करेंगे। तो ये दो कार्यक्रम तो मैं बता रही हूँ, इसके आगे हम सोच के जरूर करेंगे। हाँ, सजेशन है, जैसे एक्स सर्विसमैन का कॉन्टिजेंट 26 जनवरी को निकलता है, एक्स स्नेक चार्मर्स का भी अगर निकले तो ये बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच मिसेस दीक्षित फॉर योर काइंड वर्ड्स।